हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी IAS। मैं हूं प्रज्ञा मित्तल और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। हमने पढ़ा कि क्या क्या कॉजेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के एंड इसकी नेचर कैसी थी, ये स्टार्ट कैसे हुआ, किस किस पार्ट के इंडिया को इस पर्टिकुलर रिवोल्ट ने इन्फ्लुएंस किया था एंड ऑल्सो कि कौन सा पार्ट इंडिया का जो अनइफेक्टिव रहा। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट कैसे रहता है, इस रिवोल्ट की नेचर कैसे थी, कैसे इस रिवोल्ट ने मजबूर किया ब्रिटिशर्स को चेंजेस लाने में, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो या फिर मिलिट्री चेंजेस हो। तो हम इस सब के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि कैसी नेचर थी इस रिवोल्ट की। इसके दो व्यू पॉइंट आते हैं। कई जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो कहते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो एक मिलिट्री रिवोल्ट था। वहीं दूसरे सेक्शंस के लोग कहते हैं ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जहां पर पहली बार हमें इतनी ज़्यादा रेबिलियस, जो इतना ज़्यादा एंगर था लोगों के बीच में, वो देखने को मिला। जब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये मिलिट्री रिवोल्ट था। मिलिट्री रिवोल्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये रिवोल्ट था ये स्टार्ट किया था सिपॉयज ने, उनके जो अपने ग्रीवियंसेस थे, क्योंकि वहाँ का जो ग्रीज्ड कार्टरेज सिस्टम, जिसने एक इमीडिएट कॉज फॉर्म किया था इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के लिए, उस वजह से ही ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और यही एक मेन कॉज भी रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जिस वजह से हम इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को मिलिट्री रिवोल्ट का नाम दे रहे हैं। एक तरफ हमें देखने को मिला कि सिपॉयज ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बट जो लोकल रूलर थे, जो लोकल मासेस थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट व्यू पॉइंट आता है, दैट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया था? क्योंकि पहला, एक तो इस पर्टिकुलर रिवोल्ट की लीडरशिप थी किसके हाथों में थी? बहादुर शाह के हाथों में, जो कि मुगल एम्परर थे, मुगल रूलर थे। जो लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दोनों सेक्शंस के लोगों ने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ये एक मास लेवल का रिवोल्ट बन गया था जिसने काफ़ी ज़्यादा हिस्सों को अफेक्ट किया था, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को इस पर्टिकुलर रिवोल्ट ने इन्फ्लुएंस किया था। ज़मींदार, पीजेंट, सिपॉयज, इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लोगों ने भी इस पर्टिकुलर मूवमेंट में अपना योगदान दिया था, जिसकी वजह से कहा गया था कि ये इतने हाई लेवल का था कि पहली बार हमें इतनी ज़्यादा टुगेदरनेस देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर वॉर को, इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को कहा गया था ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, जहाँ पर लोगों के मन में कॉन्शियसनेस जागी थी, जहाँ पर लोगों ने लगा कि अब हमें ब्रिटिशर्स को अपनी लैंड से निकालना है। तो इस वजह से भी इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये रिवोल्ट जो हुआ था वो फेल क्यों हो गया था, क्यों बीच में ही उसकी जो सप्रेशन होने लगी, तो वहीं पर उसका जो इफ़ेक्ट था वो वहीं ख़त्म होने लगा। पहला रीज़न, जो रिवोल्ट था वो बहुत लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि जो भी लीडर उस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लीड कर रहे थे वो अपने अपने एरियाज़ में लीड कर रहे थे। तो अगर एक सपोज़ एग्ज़ाम्पल है जगदीश सिंह का या कुंवर सिंह का, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं झांसी की रानी, दैट वॉज रानी ऑफ लक्ष्मीबाई, तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, इनके बीच में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी कि कैसे अगर रिवोल्ट हमारे एरिया पर आता है हमें उसको कैसे लीड करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। उसमें बस ये था कि जो भी लीडर उस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लीड कर रहा है अपने अपने एरिया में ही उसको लीड कर रहे हैं, ये नहीं कि एक मैसिव स्ट्रैटेजिकल उन्होंने सोचकर इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लीड किया हो, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो गया था। जो काफ़ी नेटिव रूलर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के लालच में आ गए थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। जो मिडिल क्लास थी, एजुकेशन, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीपल ने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। और जो लीडरशिप थी, जिस पर्टिकुलर रिवोल्ट की लीडरशिप चल रही थी, वो थे बहादुर शाह। वो ऑलरेडी इतने वीक हो चुके थे, उनका सिर्फ एक नाम चल रहा था, एक सिंबॉलिक वे में हम उनका नाम यूज़ कर रहे थे कि वो मुगल एम्परर हैं, इस वजह से हम अपना जो रिवोल्ट है उनके मार्गदर्शन में स्टार्ट करते हैं। बट उन्होंने कोई भी लीडरशिप प्रोवाइड नहीं की, ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइज किया इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को,
जिसकी वजह से जो रिबेल्स थे, जो म्यूटिनियर्स थे, उनमें भी कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिली। सारे बस अपने अपने वे से लड़ने में लगे हुए थे। कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। और जो मेन कॉज था फेलियर का, जो डेट सेट की गई थी कि हमें इस पर्टिकुलर डेट को रिवोल्ट स्टार्ट करना है, ये रिवोल्ट उससे काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आया कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है कि नहीं और कैसे हमें अब इसमें इन्वॉल्व होना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी लोगों को भी, म्यूटिनियर्स को भी, रेबेलियंस को भी, और जो लीडर्स थे उनको भी। और जो रिबल्स थे उनको, जो लोकल मासेस थे, उनकी सपोर्ट नहीं मिली। ये सिर्फ मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे, इवन जो ज़मींदार्स के कुछ सेक्शंस थे वो लड़ रहे थे, कुछ रूलर्स थे जो डिसकंटेंट थे, जिनको ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ नहीं पसंद आ रही थी वो लड़ रहे थे, बट जो लोकल पीपल थे उन्होंने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन जो सिक्स थे और जो गुरखास थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया। जो रेबेल्स थे, जो उनकी वेपनर थी, जो उनके पास इक्विपमेंट्स थे, वो इतने पुराने हो चुके थे जो कि कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स की मॉडर्नाइज्ड वेपनरी से। जो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल इतने इंक्रीज हो गए थे, जिसके वजह से जो रेलवेज और जो टेलीग्राफ सिस्टम चल रहा था उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको ही पता था कि कैसे यूज़ करना है हमें और कैसे हमने अपना कम्युनिकेशन चैनल को स्ट्रेंथन करना है, जिसकी वजह से जो रिबल्स थे उनकी अगर कोई भी टुकड़ी कहीं पर भी स्थित थी तो ब्रिटिशर्स को पहले ही खबर हो जाती थी। और ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का साथ दिया है, इसकी वजह से ही उन्होंने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में भी उसी पॉलिसी का यूज़ किया। इसको आप तीन केसेस में भी डिवाइड कर सकते हो, तीन सेक्शंस में इस रीजंस से जो फेलियर के इनको डिवीजन हो सकती है। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, सेकेंड इज मिलिट्री रीजंस, थर्ड इज आइडियोलॉजिकल रीजंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे वो क्या थे जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हो जाता है? यही कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई ऑर्गेनाइज्ड ये एफर्ट था। जो लीडरशिप थी वो भी बहुत वीक थी और कोई डायरेक्शन, कोई डिस्कोर्स मूवमेंट को नहीं प्रोवाइड हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि हमें बिहार के बाद किस एरिया में जाना है। इट वाज जस्ट कि वो सारे फ्लो में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, बट कोई स्ट्रैटेजी हमें देखने को नहीं मिली। दूसरा, अगर हम रीज़न देखते हैं मिलिट्री रीज़न, तो हम जो रीजंस पढ़े हैं उन्हीं को आपको इन पर्टिकुलर तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना है। जो मिलिट्री रीजन से, दैट वाज जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो वेपनरी थी इतनी ज़्यादा एडवांस थी जो भारी पड़ रही थी रिबेल्स पर। और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में अनलिमिटेड सप्लाई हो रही थी वेपन्स की, जिसकी वजह से जो रिबेल्स थे उनके पास लिमिटेड सप्लाई थी और बहुत ज़्यादा पुराने इक्विपमेंट्स थे, आर्म्स थे, एम्यूनिशन थे, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। अब जो थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज़ आइडियोलॉजिकल रीजंस। आइडियोलॉजिकल रीज़न इसलिए कि जो डिफरेंट सेक्शंस के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सभी सेक्शंस ने इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे वो प्रिंसेस हो, एजुकेटेड क्लास हो, उन्होंने इस रिवोल्ट में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया। वो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर आ रही है, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वेपनरी यहाँ पर स्प्रेड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड, ब्रिजेस, ये डेवलप हो रहा है। तो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स तो हमारे इंडिया में आई है तो हमारे लिए काम कर रही है, हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रही है, बट ये नहीं सोचा कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में भी इंडिया को करती जा रही है, जिसकी वजह से जब इस पर्टिकुलर सेक्शन की, इंटेलेक्चुअल सेक्शन की हमें सपोर्ट नहीं मिली इस रिवोल्ट में, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। और जो रोल प्ले किया था ब्रिटिश नेवी ने वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और एडवांस था। उनको सारा कुछ नॉलेज थी कि कैसे काम करना है, कैसे कैसे हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करना है। और जो इंग्लैंड है वो भी डायरेक्टली कंपनी को सपोर्ट कर रहा था। जो गवर्नर जनरल थे या जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, वो भी बहुत ज़्यादा एबल थे, एफिशिएंट थे, उनको पता था कि काम कैसे करना है। जो भी उनका सिस्टम था बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहा था।
कहा जाता है कि जो 1857 का जो एडी था वो ब्रिटिश के लिए एक फेवरेबल ईयर था, क्योंकि जो भी सारी पॉलिसीज थी, जो भी चल रहा था, ब्रिटिश की टैक्टिक्स थी, वो उनके ही फेवर में जा रही थी। अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट कैसा रहता है। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी इफेक्ट्स, कि कैसे जब रिवोल्ट ख़त्म होता है उसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पॉलिसीज में कैसे कैसे चेंजेस आता है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब ब्रिटिश के लिए एक शॉक था। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मास लेवल पर जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट राइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक कंपनी रूल था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, उसका रूल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और अब जो डायरेक्ट कंट्रोल चला जाता है वो जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंडर। जो क्वीन विक्टोरिया थी अब वो डायरेक्टली कंट्रोल करेंगी इंडिया के अफेयर्स को। मुगल जो डायनेस्टी थी उसका भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इवन जो पेशवाशिप का टाइटल था उसको भी यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। बट जो ये नई पॉलिसीज आती हैं, कंसोलिडेशन पॉलिसीज आती हैं, इससे जो इंडिया था वो और ज़्यादा तेज़ी से ब्रिटिश के अंडर चलता चला गया, जिसकी वजह से जो राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो रेजिस्टेंस फेस, वो आगे हम देखते हैं कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के तौर पर और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के तौर पर ब्रिटिशर्स को एक टक्कर फेस करनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था उसमें कहा गया था कि कंपनी रूल ख़त्म हो जाता है और अब जो भी क्वीन विक्टोरिया का डिसीजन होगा वही इम्प्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से जो सारी पावर्स थी वो चली जाती है क्राउन के पास। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आता है वो था काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने लगी इंडियंस की, इंडियंस का भी प्रमोशन होने लगा हायर रैंक्स पे। हम सेपरेटली इन एक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। इवन जो यूरोपियंस थे उनको भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा तो मिल ही रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स की हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी और उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट से ही अपनी जो पॉलिसी थी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। जो गवर्नमेंट है वो पुलिसरी सिस्टम में भी और जुडिशियल सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आती है, इनका रीऑर्गेनाइजेशन करती है, क्योंकि अब क्या मोटिव था कि ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा फेवरेबल काम क्यों कर रही थी इंडियंस के लिए, क्योंकि उनको डर था कि अगर यही मास मूवमेंट दोबारा राइज हो जाती है तो शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको डर लग गया था, इस वजह से उनको लगा कि अगर हम इंडिया को थोड़ी थोड़ी कंपनसेशन देते गए, उनके फेवरेबल काम करते रहे, तब मे बी जो हमारा रूल है वो काफ़ी लंबे समय तक चले। सो ये स्ट्रैटेजी थी, ये उनकी प्लानिंग थी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट्स कैसे थे। नो डाउट पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स वो सब कुछ ज़्यादा फेवरेबल हो रहा था यूरोपियंस को, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फेस करनी पड़ रही थी और जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियंस का वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो लीनियंट होने लगी जागीरदार्स के साथ और फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ, क्योंकि जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था 1857 रिवोल्ट में। तो एज अ आप कह सकते हो ट्रिब्यूट टू अ लॉयलिटी, इनकी लॉयलिटी से खुश होकर ब्रिटिशर्स इनके साथ और ज़्यादा अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर लेते हैं और जो बेचारे पीजेंट्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा डिटोरिएट, और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। कुछ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी यहाँ पर लेकर आती है। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री इफेक्ट्स क्या थे। मिलिट्री इफेक्ट्स ये थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। अब जो सिख हैं या जो गोरखाज हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉयमेंट होने लगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी ब्रिटिशर्स आर्मी में। बट जो यूरोपियंस थे उन्हीं को ही कुछ स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पर एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, ना कि इंडियंस को। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा था। जो नेटिव स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन ब्रिटिशर्स करने लगी, अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास हर एक जो न्यूज़ है, हर एक जो भी वहाँ पर काम चल रहा है उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स के पास जाए, जिसकी वजह से एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन उन्होंने करना शुरू कर दिया,
जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी आर्मी पर और ज़्यादा एक्सपेंडिचर और ज़्यादा खर्चा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो आर्मी है, अगर बाय चांस ऐसा रिवोल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है तो वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होने लग गई थी। सो दीज आर द मिलिट्री इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस इफेक्ट्स क्या थे। जो सोशल एंड रिलीजियस इफेक्ट्स थे उस टाइम पर, एज वी हैव सीन, वहाँ पर रेनेसा मूवमेंट आ रही थी, रैशनलिस्ट आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, जिसका असर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी और 1857 रिवोल्ट में भी देखने को मिलता है। जो इंडियंस थे और यूरोपियंस थे उनके बीच का जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने एक सेक्शन ऑफ पीपल को दूसरे सेक्शन ऑफ पीपल के अगेंस्ट भड़काना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो रिलेशंस थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में और ज़्यादा स्ट्रेंड होने लगे। जो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की सर्विसेज में उसको अबंडन कर दिया गया, रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई, क्योंकि जब ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स रिफॉर्म मूवमेंट्स आ रही थी उस टाइम पर कहा गया था कि जो रिलीजन है वो आपका एक पर्सनल फेथ है, आपका खुद का विश्वास है भगवान के साथ, इसमें किसी का भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से कुछ रिलीजियस फ्रीडम का कंसेप्ट आता है कि सारे लोग अपने अपने मन मुताबिक किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। जब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बढ़ रही थी तब मुस्लिम रेनेसा जब आ रही थी इसको सेटबैक मिलता है, इसको दबा दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवीज़न, बहुत ज़्यादा रिलेशंस ऑलरेडी स्टेंड हो चुके थे। और जो गवर्नमेंट है, जैसे पहले वो इंडियंस के रिलीजियस में इंटरफेयर कर रही थी, इंडियन के रिलीजन में, इंडियन के फेथ में इंटरफेरेंस कर रही थी, अब वो ख़त्म हो जाता है, उन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव इशू है इंडियंस के लिए, इसलिए अगर हम उनको और ज़्यादा भड़काएंगे रिलीजन के बेसिस पर तब उल्टा ये असर हमारे ऊपर ही पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर एरा में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टांस भी देखने मिलता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो जाती है, लोगों में लिटरेसी लेवल बढ़ जाता है। इमोशनल इफ़ेक्ट्स भी इससे जुड़े होते हैं। जैसे ही रिलीजियस मूवमेंट्स आती हैं लोगों को समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो हैं वो हमारे ही अगेंस्ट जा रही हैं, हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही हैं, जिसके वजह से बाद में ब्रिटिशर्स को एक टफ़ रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है। सो दीज आर द सोशल एंड रिलीजियस इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन थी, क्या उसका नक्शा दिख रहा था 1858 में। तो जो ये पिंक एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये जो सारा एरिया है ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था, और जो येलो वाला एरिया है वो इंडियन की प्रिंसली स्टेट्स थी, और जो ब्लैक एरिया से जो ये बाउंड्री लाइन गिवन है ये प्रेजिडेंसी की बाउंड्रीज थी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिशर्स कंट्रोल। हर एक इंडिया का पार्ट कैप्चर हो चुका था, हर एक इंडिया का पार्ट कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स के। सो दिस वॉज अ हॉरिबल एंड टेरिबल सिचुएशन कि इंडिया के मैप पर मैक्सिमम पार्ट 98% ऑफ द पोर्शन वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। और जो एक कश्मीर और जो हैदराबाद है वो एक इंडिपेंडेंस के लिए असर्ट करते हैं, दैट वी विल सी जब इंडिया का पार्टीशन होता है कि कैसे इनको बाद में इनकलकेट किया जाता है इंडिया की बाउंड्रीज में ही, इनको इंडिया में ही रखा जाता है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड वाइट म्यूटनी का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट पर्टिकुलर लेसन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।